दोस्तों, मेरे इस वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आइसर 368 ट्रैक्टर की बारे में जानकारी। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रैक्टर का लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट व्यू, सभी तरह से व्यू आपको दिखा दे सकता हूँ। ये दोस्तों ट्रैक्टर का फ्रंट व्यू जो कि काफ़ी आकर्षक लुक दिखाई दे रहा है, या आइसर का लोगो। दोस्तों, ये इसके लेफ्ट साइड का व्यू आप देख सकते हैं, और ये दोस्तों ट्रैक्टर का बैक व्यू, आइसर 368 का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रैक्टर के आपको डायमेंशन के बारे में बता दूं तो 3650 mm की इसकी लंबाई मिल जाती है ट्रैक्टर की, और 1710 mm का इसका चौड़ाई ट्रैक्टर की, और 2188 mm की ऊंचाई। और वहीं इसका व्हील बेस की बात करें तो 2008 mm का इसका व्हील बेस है, और टर्निंग रेडियस ट्रैक्टर का 3200 mm, जिसको कहते हैं घुमाने का रेडियस, मतलब ट्रैक्टर 3200 mm के अंदर। तब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की टायर की साइज। तो इसमें फ्रंट टायर आपको 616 के मिल जाते हैं, जिसमें से ये 6 इसकी ये वाली साइज कहलाएगी, ये वाली, और 16 इसकी ये वाली साइज। और दोस्तों, रियर टायर की बात करें तो 13.6 के इसके रियर टायर मिल जाते हैं, तो 13.6 इसकी ये, और 13.6 28, मतलब ये 28 की ये डायमीटर। दोस्तों, टायर के बाद अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो आपको पता ही होगा आइसर एक ऐसी कंपनी है जो कि एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड दोनों प्रकार के इंजन का निर्माण करती है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत ये ट्रैक्टर एयर कूल्ड ट्रैक्टर के नाम से आता है। इसमें देख सकते हैं आपके सिलेंडर पे फिन बना हुआ है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ट्रैक्टर एयर कूल्ड है, और इसमें ना ही किसी प्रकार के रेडिएटर और ना ही किसी प्रकार का रेडिएटर फैन, कुछ नहीं होने के कारण आपको पता चलता है कि एयर कूल्ड ट्रैक्टर है। दोस्तों, इसका सिंगल पीस जो बोनट है, इसको ओपन करके आपको और अच्छे से दिखा सकता हूँ अंदर से। दोस्तों, सबसे पहले ये जिसका ये एयर फिल्टर को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें एयर फिल्टर की बात करें तो 4 स्टेज का आपको एयर फिल्टर मिल जाता है, ऑयल स्टेज एयर फिल्टर। इसमें से एक तो ड्राई एयर फिल्टर आता है, एक ऑयल वाला, तो ये ऑयल वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको हम ऐसे करके निकालते हैं बोनट खोलने के लिए। तो ये दोस्तों निकल गया। अब इसके बाद ये क्लैंप को लूज करके, ये इधर राइट साइड से भी लूज करके, और बोनट को ऐसे खोल दिया जाता है, जो कि काफ़ी आसान है। अब देख सकते हैं दोस्तों इसके इंजन के बारे में काफ़ी बारीकी से। ये दोस्तों इसका ये ऑयल एयर कूलर वाला है, इसमें ये ऑयल भरा रहता है यहाँ पे, और ड्राई वाले में सूखा रहता है, उसमें जाली लगी रहती है। दोस्तों, यहाँ पे इसके ये अल्टरनेटर दिया है, जिसका काम बैटरी को 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के काम में आता है। और दोस्तों, जो ये वाला जगह है, इसके अंदर पंखियां लगी हुई हैं, जो कि इसके अंदर जो ये सिलेंडर यहाँ पे दोस्तों, तो उसको ये इधर से हवा प्रदान करता है, तो हवा जो ठंडी हवा होती है उसको इंजन सिलेंडर को ठंडा कर हवा बाहर निकल जाती है उस तरफ ट्रैक्टर में। और ये दोस्तों ये फाइन वेल से पूरे पंखी चलती हैं, ये तीनों पंखी। और ये है ट्रैक्टर की सेल्फ, जो ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करता है। और इसमें जो फ्रंट एक्सल दिया है, ये स्क्वायर साइज का एक्सल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मजबूत है। इसकी चौड़ाई की बात अब अनुभव लगा सकते हैं आप। और जो स्टेयरिंग दी है, ये मैकेनिकल स्टेयरिंग इसमें दिया गया है, जबकि ये बेस मॉडल है। इसका जो हाई मॉडल है इसके ऊपर का, उसमें आपको पावर स्टेयरिंग भी प्रदान करता है 368 मॉडल में। तो जो 368 मॉडल का जो हाई मॉडल है, उस पर आपको ये सेंट्रल शिफ्ट गियर से आपको ये साइड शिफ्ट गियर उसमें दिया गया है। और स्टेयरिंग की उसमें बात कर ले तो पावर स्टेयरिंग और ड्यूअल क्लच के साथ भी आता है इसका जो हाई मॉडल है, ये इसका बेस मॉडल है। दोस्तों, अब लेफ्ट साइड से बात करें तो ये आपको ये बोस का इनलाइन पंप मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर तीनों में डीजल भेजने का काम करता है। एक चीज़ हाँ, और दोस्तों इसमें ये इंजन की जो सीसी है वो 2945 cc का ये इंजन बनाया गया है, जो 36 HP का पावर प्रोड्यूस करता है, मतलब 36 HP का पावर प्रदान करता है अपने किसान को। और ये दोस्तों हाइड्रोलिक पंप, ये हो गया इसका लिफ्टर। जब ट्रैक्टर में तेल टंकी में कम रहता है तो इसको मार कर ऊपर नीचे करकर ट्रैक्टर की स्टार्ट किया जाता है। और ये है दोस्तों ऑयल फिल्टर, जो कि ऑयल को साफ करने के काम में आता है। ये इसका डीजल फिल्टर हो गया, और ये इसका वाटर सेपरेटर हो गया। वाटर सेपरेटर वो है दोस्तों, जो जैसे ट्रैक्टर गर्म हो जाती है तो उसके टंकी में भाप बनने लग जाता है। अब भाप वही जब पानी बनता है टंकी के अंदर,
हुए पानी वाटर सब ट्रैक्टर के थ्रू इसको जब खोल दिया जाता है तो ये नीचे गिर जाता है और शुद्ध तेल आपके ट्रैक्टर के इंजन में पहुंचता है, जिससे ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों साइलेंसर इसका बाहर की ओर दिया गया है। तो दोस्तों इसका आप सिंगल पीस बोनट को हम बंद कर देते हैं, देखिए कितना आसानी से बंद होना सिंगल पीस है इसलिए। तो और इसके क्लैंप को लॉक कर देते हैं। और दोस्तों दोनों तरफ से लॉक करने के बाद अब इसके जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को ऐसे करके इसमें ये दोस्तों लग चुका है। दोस्तों ये हाइलोजन बल्ब, इसमें दो हाइलोजन बल्ब प्रदान करती कंपनी साथ में आयशर लोगों के साथ। और ये जो फ्रंट लोड है आपको, अगर ट्रैक्टर जब पीछे लोड बढ़ जाता है तो ये आगे से उठने लग जाता है, जो कि कम उठे ट्रैक्टर, इसलिए करीब लगभग 120 केजी का इसमें फ्रंट लोड दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर की इस बॉडी को सुरक्षित भी प्रदान करती है, बॉडी कहीं टकराए उकराए ना, और ट्रैक्टर को आगे से उठने में कम करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की सीट में जाके। तो ये इसके चढ़ने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है फुट स्टेप, और ये चढ़ने के बाद हम सीट पे पहुँचने के बाद गाड़ी को कुछ ऐसा ही व्यू आपको सामने का मिलता है। ये आपको फ्रंट मिरर, बैक मिरर, ये यहाँ पे फेंडर दोनों तरफ। और ये दोस्तों आपको डिक्की मिल जाती है अपने टूल वूल रखने के लिए ट्रैक्टर के लिए। दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्रस्टर की, जिसमें आपको जितने भी इंडिकेटर है वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे सीट पे बैठते ही। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ऑयल प्रेशर गेज बताता है ट्रैक्टर का, और ये है ये तेल बताता है ट्रैक्टर में कितना तेल है, और ये आपका आरपीएम मीटर है, और ये बैटरी इंडिकेटर है, मतलब बैटरी कितनी चार्ज है आपकी ट्रैक्टर में ये बता रहा है, और ये आपका हो गया हीटिंग, कितना हीट हो रहा है ट्रैक्टर, और ये बैटरी चार्ज होने का इंडिकेटर यहाँ पे आपका अपर बीम और लोअर बीम दिखा रहा है। तो दोस्तों ये स्टेयरिंग, इसका फोर स्पोक का स्टेयरिंग व्हील देता है कंपनी, और ये हाथ का एक्सीलेटर, हाथ वाला। दोस्तों एक चीज, हाँ ये जो बेस वेरिएंट है इसमें आपको सेंट्रल शिफ्ट गियर ही प्रदान करेंगे, ना कि आपको साइड में शिफ्ट में गियर मिलेगा। और ये आपके इसमें सिंगल क्लच में आती है ट्रैक्टर, ये जो आपका क्लच है ये वाला, और ये आपके ब्रेक, इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ का ब्रेक है। इसको आप ऐसे करके सिंगल, मतलब जब जुताई के टाइम इसको आप खोल भी सकते हैं ब्रेक को। और ये आपका हो गया पैर वाला एक्सीलेटर। अब दोस्तों इसको लॉक कर देते हैं इसे। और दोस्तों जो इस ट्रैक्टर की बैटरी है इसमें आपको साइड में ना देके यहाँ पे बगल में दिया गया है सीट के बगल में, और ये प्लेट से ढकी हुई है बैटरी, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सेट है बैटरी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर साइड में बैटरी है तो। और ये आपका दोनों तरफ जगह है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके गियर की। तो इसमें जो गियर देता है ये फोर फॉरवर्ड स्पीड में, और ये हाई लो हाई का एक अलग सीरीज देता है, और ये एक रिवर्स में, टोटल इसमें आठ फॉरवर्ड और दो रिवर्स गियर प्रदान करती कंपनी। और यहाँ पे ये पीटीओ का गियर भी दिया हुआ है, अगर आपको पीटीओ चलाना है तो इसको ऊपर तरफ नीचे तरफ पुश कर दिया जाता है तो आपका पीटीओ ऑन हो जाता है, जो कि पीछे थ्रेसर और रोटर वेटर चलाने में सहायता प्रदान करता है। यहीं पे दोस्तों ये स्विच दिया गया है, इसी से आपका हाइलोजन और ये इंडिकेटर दूसरे लाइट से चलेगा, हाइलोजन इसी से, यही बल्ब से अपर बीम और लोअर बीम होता है। यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर के लिए स्विच मिल जाता है, ये हेजार्ड लैंप के लिए आपको स्विच मिल जाता है, और ये दोस्तों यहाँ पे हॉर्न के लिए दे दिया है, और यहाँ पे आपको की लगानी पड़ती है, ये ट्रैक्टर का स्टॉपर है, इससे खींचने पर ट्रैक्टर बंद हो जाता है। दोस्तों ये है इसका कल्टीवेटर उठाने के लिए, जब पीछे कल्टीवेटर या फिर हाइड्रोलिक डंप ट्राली कुछ भी होती है उसको उठाने के लिए आपको ड्राफ्ट लीवर, फंक्शनल लीवर, दोनों लीवर यहीं पे दिया हुआ है। ये भी आपकी देख सकते हैं, आप बैठे बैठे बिना झुके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि इसमें काफी कंफर्ट के साथ दिया गया है। दोस्तों इसमें अलग से फिल्टर, ये वाला फिल्टर दिया गया है, ये जो ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक इसका जो रहता है, इसकी ऑयल को यहाँ पे से फिल्टर करके भेजता है, जो कि ट्रैक्टर की जो इंजन वो हाइड्रोलिक ऑयल रहती है वो बहुत दिन तक चलता है, मतलब शुद्ध रहता है, इसमें कोई कचड़े वचड़े नहीं आते। दोस्तों अब आपको ट्रैक्टर का आवाज़ भी सुना के दिखा देते हैं, ये ट्रैक्टर का साउंड कैसे है। तो आयशर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसमें, मतलब बहुत सी कंपनी है, तो इसमें क्लच दबा कर ही ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, ये ट्रैक्टर का आवाज़ आप सुन सकते हैं।
इंडिकेटर चालू हो गए हैं। और दोस्तों ये ट्रैक्टर का स्टॉपर है, यहाँ से ट्रैक्टर को स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों आप ट्रैक्टर का साउंड सुने जो कि काफी अच्छा साउंड है। फिर दोस्तों इसकी सीट कैपेसिटी की बात करें तो सीट काफी कंफर्ट लगा मेरे को बैठने के बाद, क्योंकि आपको पता है ट्रैक्टर में शॉकअप तो देता नहीं है, तो सीट से ही आपको शॉकअप प्रदान करता है, जो कि पीछे इसमें सस्पेंशन लीवर लगा है, जिस कारण ये सीट और भी ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। दोस्तों ट्रैक्टर से उतरने के बाद आप देख सकते हैं कि बाकी ट्रैक्टर में ये जो सपोर्ट रहता है ये वाला, ये 2-3 देते हैं करीब, लेकिन इसमें और ज़्यादा 1-2-3-4 सपोर्ट दिया गया, जिससे ये फेंडर की मजबूती हो जाती है, ये बढ़ जाती है, मतलब ये आया जल्दी दबता नहीं है। अब दोस्तों इसके कर लेते हैं जो बैक कंपोनेंट जितने लगे हैं उसकी बात, तो ये आपका पीछे के लिए लाइट दे देता है, ये ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट इसी पे दोनों पे अटैच है, और ये भी इधर लेफ्ट साइड में। दोस्तों यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, ये मोबाइल वोबाइल रखने के लिए आपको पॉकेट मिल जाता है यहाँ पे, और ये दोस्तों 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर मिल जाती है, और ये वाला जो जगह है यहाँ से आपको ट्रॉली पे अगर लाइट ले जानी है कभी ट्रॉली अटैच करने के बाद, तो यहाँ से आप ट्रॉली पे भी लाइट कनेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात करते हैं, 1500 kg करीब 1500 kg दिया गया है कंपनी, जो इसकी हाइड्रोलिक से 1500 kg का लोड उठा सकता है। यहाँ से आप ट्रॉली अटैच कर सकते हैं, ट्रॉली अटैच करने के लिए आपको हिच पिन दिया गया है, ये आपका पीटीओ सॉफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जब कभी पीटीओ सॉफ्ट जोड़ना हो तो इसको निकाल के आप यहाँ से पीटीओ अटैच कर सकते हैं। और ये दोस्तों ट्रॉली के लिए जो वो पाइप जाती है उसके लीवर है, ये आप ट्रैक्टर का एक्सल देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर के एक्सल जो कि काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जबकि पावर ओवर ट्रक में देखा जाए तो थोड़ी ज्यादा मोटा साइज का देता है। लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको काफी मजबूत सामान यहाँ प्रदान किए हैं, और जो कि काफी मजबूत ही लगता है। दोस्तों ट्रैक्टर की ब्रेक की बात करें तो इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक आपको प्रदान करती है कंपनी, ऑयल में डूबी हुई ब्रेक, क्योंकि इसकी ब्रेक अभी तक तो सही काम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 महीने का यूज कर चुके हैं इस ट्रैक्टर से, इसमें ब्रेक में तो ही प्रॉब्लम नहीं आया है। और दोस्तों इसमें जो फ्यूल टैंक दिया जाता है वो 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक प्रदान की है कंपनी, जो कि 45 लीटर का डीजल आपको दिन भर उसमें आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप गैप भी देख सकते हैं, जो कि काफी गैप है यहाँ से डीजल। बैठने के बाद भी आपको यहाँ टच ना होंगे घुटने, यहाँ से काफी ट्रैक्टर पे यहाँ पे टच होने लग जाता है। और यहाँ पे ये एंगल भी दी जाते हैं, जिसमें को पैसेंजर जो आपके बगल में बैठते हैं वो गिरे उरे नहीं, फिर उनके सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये दिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की कीमत की, तो दोस्तों ये ट्रैक्टर हमको 5,35,000 के करीब पड़ा था, और ये कीमत अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहती है, फिर अलग अलग शोरूम में अलग कीमत रहती है ट्रैक्टर की, जो कि घटती बढ़ती रहती है, घटती तो कम है ज़्यादातर बढ़ती रहती है। और ट्रैक्टर की पूरी लोड की बात करें तो लगभग ये बम्पर लगने के बाद सामने वाला 2200-2300 kg टोटल ट्रैक्टर का वेट हो जाता है। तो कि मैं आपको पूरी जानकारी ट्रैक्टर के बारे में दे चुका हूँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट रिव्यू है, जो कि मेरे घर का ही ट्रैक्टर है। आपको इसकी जानकारी लगभग तो पूरी बता दिया हूँ, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।